नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों आप सब कैसे हैं? भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत लंबे समय से लोगों का डिमांड था कि यस बैंक का शेयर कब से चलेगा, यस बैंक का शेयर का समय कब से अच्छा आएगा। दो ढाई साल पहले मैंने यस बैंक का जो है वो वीडियो दिया हुआ है। दो तीन दिन से मैं सर्च कर रहा था लेकिन वो मुझे मिला नहीं जो है, लेकिन ऐसा मुझे याद है कि मैंने शायद यस बैंक का वीडियो दिया था। अब उसमें मैंने क्या बताया था वो तो मुझे नहीं याद है, लेकिन बहुत टाइम से यस बैंक का लोग पूछ रहे हैं तो मैं सोचा आप सबके लिए जो है ये वीडियो दिया जाए कि आने वाले समय में अब यस बैंक का क्या होने वाला है, क्या इसका शेयर चलने वाला है या ये नहीं चलेगा, ये सब की हम बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ बता दूं कि कोई भी कंपनी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है तो उनका कई पैरामीटर है, जैसे इंडिविजुअल कुंडली है तो उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उस हिसाब से आपका एक ही डेट ऑफ बर्थ है उसी से एनालिसिस आपका होता है, जीवन में क्या मिलेगा अच्छा क्या मिलेगा बुरा। लेकिन कोई भी कंपनी कुंडली का एनालिसिस दोस्तों उसकी कई कुंडलियां बनती हैं, जैसे कंपनी के ओनर की कुंडली बनती है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन डेट की कुंडली बनती है, फिर कंपनी के लिस्टिंग डेट की कुंडली बनती है। तो दोस्तों जो है कभी कभी ओनर का डेट ऑफ बर्थ मिलना मुश्किल होता है, इनकॉर्पोरेशन डेट भी मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अभी तक के मेरे रिसर्च में और आसानी से जो है लिस्टिंग डेट जो है वो मिल जाता है और लिस्टिंग डेट का जो है वेटेज भी काफ़ी अच्छा होता है। यानी तीनों में देखें तो कंपनी के ओनर, इनकॉर्पोरेशन डेट और लिस्टिंग डेट में मैं नंबर एक पे जो है लिस्टिंग डेट को रखता हूँ, क्योंकि लिस्ट जब हो जाता है दोस्तों तो उस समय जो है बहुत सारे आम पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सबका जो है भाग्य उसमें लग जाता है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि कंपनी कुंडली का एनालिसिस 70-75% तक सही जा सकता है, इससे ज़्यादा उसमें संभावना कम रहती है दोस्तों। क्योंकि यदि मान लीजिए कि इनकॉर्पोरेशन डेट से समय बहुत ख़राब हो या ओनर की कुंडली से समय बहुत ख़राब हो, लिस्टिंग डेट का समय अच्छा हो तो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक का जो सक्सेस रेशियो है लिस्टिंग डेट से वो 70-75% का सक्सेस रेशियो है। तो दोस्तों जो है मैं लिस्टिंग डेट से लेके चलता हूँ, जो मुझे लिस्टिंग डेट जो है बीएससी एनएससी के साइट से मिला हुआ है वो 12 जुलाई 2005, 12 जुलाई 2005 में दोस्तों इसका लिस्टिंग जो है हुआ है। तो इस लिस्टिंग डेट से जो है मैं जो कुंडली जो है वो बना रहा हूँ वो कन्या लग्न है जो है, और कंपनी की जो राशि है वो सिंह राशि है, 28 डिग्री 46 कला की राशि है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में जो है ये कंपनी की लिस्टिंग हुई है। यानी कि कन्या लग्न है और सिंह जो है वो राशि है। तो दोस्तों जो है इसके पहले का मैं थोड़ा सा आपको बताऊं जो है कि चंद्रमा की महादशा जो है 14 अगस्त 2010 से 14 अगस्त 2020 तक जो है कंपनी का जो है ये चंद्रमा की महादशा जो है वो चली। चंद्रमा की महादशा में कंपनी जो है बहुत प्रोग्रेस किया और चंद्रमा की महादशा जाते जाते कंपनी में जो है वो बड़ा जो है वो डाउनफॉल जो है वो आ गया। कंपनी में दोस्तों जो है वो बड़ा डाउनफॉल आ गया।
तो उसके लिए दोस्तों क्या है कि कन्या लग्न में जो है चंद्रमा लाभ का स्वामी होता है, और जो कि वो ट्वेल्थ हाउस में है, डिग्री वाइज भी ट्वेल्थ हाउस में है। तो पहले वो इलेवंथ हाउस का रिजल्ट दिया, इलेवंथ हाउस का रिजल्ट दिया यानी कंपनी ने अच्छा गेन किया, और उसके बाद दोस्तों जो है ट्वेल्थ हाउस का जो है वो रिजल्ट मिला, और ट्वेल्थ हाउस का जब रिजल्ट मिला तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, कंपनी का मेजर जो है वो डाउन ट्रेंड जो है वो शुरू हुआ, कंपनी का मेजर जो है वो डाउन ट्रेंड जो है वो उसमें शुरू हुआ, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य जो है वो बारहवें घर का जो है वो स्वामी है। सूर्य दोस्तों बारहवें घर का स्वामी होकर लाभ स्थान में है, यानी यानी चंद्रमा जो है खुद ट्वेल्थ हाउस में, चंद्रमा का नक्षत्रपति जो है वो भी ट्वेल्थ लॉर्ड होके टेंथ हाउस में, और चंद्रमा इलेवंथ हाउस का स्वामी है। तो यानी शुरू में वो तेजी दिया, बाद में जो है वो डबल ट्वेल्थ हाउस ऑपरेट हुआ। जब डबल ट्वेल्थ हाउस ऑपरेट हुआ यानी दोस्तों ट्वेल्थ हाउस यानी कि नुकसान, तो कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। और D10 जो कुंडली बनती है करियर की कुंडली, वो वृषभ लग्न का कुंडली बनती है, उसमें चंद्रमा जो है वो तीसरे घर का स्वामी बनता है, तीसरा घर जो है वो बहुत ही बड़ा घातक होता है, तो कंपनी के करियर में बड़ा डाउनफॉल आया। अब इसमें दोस्तों क्या करना है, बहुत डिटेल वीडियो मैं नहीं दे रहा हूँ, इसका रिसर्च मैंने बहुत डिटेल में मैंने किया हुआ है, जो ज़रूरी पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। 13 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2020 से 14 अगस्त 2027 तक कंपनी का जो है ये मंगल की महादशा जो है वो शुरू हो चुकी है। कन्या लग्न में जो है मंगल की महादशा शुभ फल नहीं देता है, ये रूल है, लेकिन कंपनी का सिंह राशि है, सिंह राशि में मंगल की महादशा शुभ फल देता है। तो यानी रिजल्ट क्या मिला, 50-50 मिल गया। मंगल जो है दोस्तों जो है वो सेवंथ हाउस में है, मंगल का डिस्पोजिटर जो है वो गुरु है, गुरु लग्न में है, मंगल पॉजिटिव है, मंगल जो है 27 डिग्री का रिजल्ट दे रहा है, पर्टिकुलर 27 डिग्री जो है वो लकी डिग्री है, मंगल का नक्षत्रपति जो है वो बुध है, बुध जो है लाभ स्थान में है जो कि वो पॉजिटिव है, यानी मंगल का डिस्पोजिटर और मंगल का नक्षत्रपति दोनों पॉजिटिव है, मंगल जो है नवमांश कुंडली में कुंभ नवमांश में है जो कि वो निगेटिव है। तो ओवरऑल दोस्तों मंगल की महादशा क्या है, ओवरऑल मंगल की महादशा मीडियम टू पॉजिटिव है। क्या बहुत पॉजिटिव है, तो नहीं, मीडियम टू पॉजिटिव मंगल की महादशा है। अब हम दोस्तों बात करते हैं मंगल का डिस्पोजिटर जो है वो गुरु, कंपनी का जो है इस समय मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा जो है वो चल रही है, जो कि 28 जनवरी 2022 से 4 जनवरी 2023 मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा है, यानी कि कंपनी का थोड़ा अच्छा समय की शुरुआत हो चुकी है, कंपनी के अच्छे समय की शुरुआत वो हो चुकी है 28 जनवरी 2022 से। आज दोस्तों मैं जो ये वीडियो आपको दे रहा हूँ ये 29 जुलाई 2022 है, लेकिन कंपनी का समय 28 जनवरी 2022 से कंपनी का अच्छा समय की शुरुआत, क्या बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा नहीं, लेकिन अच्छे समय की शुरुआत कंपनी की हो चुकी है, जो कि मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा 4 जनवरी 2023 तक है, जो कि ये कंपनी के लिए समय काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। 4 जनवरी 2023 से 13 फरवरी 2024 ये समय मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा चलेगी, जो कि ये समय भी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। 4 जनवरी 2023 से
13 फरवरी 2024 जैसा बताया मंगल में शनि कंपनी का समय अच्छा रहेगा। 13 फरवरी 2024 से 9 फरवरी 2025 मंगल की महादशा में बुध की अंतरदशा जो है वो चलेगी, जो कि ये भी समय कंपनी के लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा से कंपनी के अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। एक ही पैरामीटर बड़ा निगेटिव है, कौन सा पैरामीटर, कि कन्या लग्न में मंगल की महादशा शुभ फल नहीं देता, लेकिन राशि के हिसाब से शुभ फल देगा। मंगल का डिस्पोजिटर पॉजिटिव, मंगल का नक्षत्रपति पॉजिटिव। और दोस्तों मैं बात करूं जो है कि मंगल जो है D10 कुंडली में मैं देखूं तो D10 कुंडली में मंगल जो है वो नीच का है, जो कि वो भी बहुत बेटर नहीं है। लेकिन मंगल का डिस्पोजिटर जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा एग्जाल्टेड है, जो कि वहाँ भी वो काफ़ी हद तक ठीक है। क्या बहुत अच्छा है? तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन ठीक है। मंगल दोस्तों अष्टक वर्ग के 7th हाउस में 27th बिंदु मिल रहा है, जो कि 27 बिंदु जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो पॉजिटिव है। मंगल को भिन्नाष्टक वर्ग में 3 बिंदु मिल रहा है, जो कि वो भी जो है वो मीडियम है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यानी आने वाला समय, जो कि शुरुआत 28 जनवरी 2022 से हो चुकी है, पर्टिकुलर 2023 की बात करें तो 2023 कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहने का योग है। यानी आने वाला समय कंपनी के लिए काफ़ी ठीक है। अभी इस समय शेयर इसका 14-15 रुपया जो है वो चल रहा है। आने वाले समय में दोस्तों ये शेयर काफ़ी हद तक आगे जा सकता है। क्या टारगेट होगा दोस्तों? टारगेट मेंशन करना नहीं ठीक है, क्योंकि कोई भी टारगेट आपको दो तो आप बोलेंगे कि इतना जाएगा ही, आपका एक्सपेक्टेशन बहुत हो जाता है। तो इसलिए मेरा कोई भी टारगेट जो है वो नहीं मैं दूंगा जो है, लेकिन ये है कि यहाँ से जो है वो आने वाला समय यस बैंक के लिए काफ़ी अच्छा है। आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ही थोड़े इन्वेस्टमेंट में आप चल सकते हैं। लेकिन अभी जो है कंपनी का समय मुझे काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है। यानी आने वाले समय में जो भी आप बैंक में पैसा रखते हैं उससे जो है काफ़ी हद तक अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों यस बैंक की कंपनी कुंडली का एनालिसिस जो है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा जो है। यदि आपको कोई भी सर्विस चाहिए जो है, कुंडली कंसल्टेंसी लेनी है, तो कंपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9870312696। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया हुआ है। अब दोस्तों हमारा ये डिस्क्लेमर है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा और मेरा चैनल आपके नफ़े और नुकसान से कोई भी लेना देना नहीं है। ये मेरा जो है प्योर ज्योतिष का चैनल है, मैं ज्योतिष से अपना व्यू देता हूँ, मैं कोई भी टेक्निकल टूल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जय श्री राम।